क्या सरकार और राज्य सरकारों के बीच, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो तालमेल नहीं है, उससे भी किसानों का नुकसान हो रहा है? धन्यवाद मनोज जी। पहली बात तो मैं कहूँ, मेरे पूर्व वक्ता जो वरिष्ठ किसान नेता रामपाल जाट जी ने जो बातें कही हैं, कई बातें तो उन्होंने ऑलरेडी इस विषय पे कही, बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है। अब आप जो कह रहे हैं, जो बजट के एक दिन पहले हमारा मिनी आर्थिक सर्वेक्षण आया और उस पर बड़ा अच्छा काम किया, मैं अप्रिशिएट करूंगा वी अनंत नागेश्वरन जी को जो कि इसके मुखिया है, एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट बनाई। उसमें 9 नंबर कालम में कृषि के ऊपर में बड़े विस्तार से उन्होंने लिखा है और ईमानदारी से लिखा है कि खेती में, खेती की इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, जो पूंजी निवेश होना था, वो नहीं हुआ। और यह भी लिखा कि जो वर्तमान दशाएं हैं इनमें किसानों की आय दुगनी होना बहुत कठिन है, लेकिन जब चुनौतियों की बात आती है तो वहां हम बच निकलते हैं। हम ग्लोबल इफेक्ट की बात करते हैं कि वैश्विक बाजार का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण रोजगार घटे रहे और ज्यादा घटेंगे, कुछ हद तक सही है। मेरा मानना है कि जब प्रधानमंत्री जी एक दिन पहले जब बजट के पहले सर्वेक्षण आता है तो सर्वेक्षण पर भाषण देते हुए कहते हैं कि हमारे देश की कृषि हमारे आर्थिक विकास का इंजन है। अब आर्थिक विकास का इंजन जो है, दूसरे दिन जब बजट आता है तो हम देखते हैं आर्थिक विकास का इंजन तो पटरी से उल्टा पड़ा है, पटरी पे है ही नहीं। भाई अंतरिम बजट में आप 1,47,000 करोड़ का प्रावधान करते हो, उसके बाद 4 महीने बाद आते हो तो आप उसे 5,000 करोड़ खाली बढ़ाते हो, 1.52 करते हो, तो समझ में आ जाता है। दूसरा, जो MSP दिलाने की अवधारणा की बात थी, जो सबसे ज्यादा किसान जिसके लिए आंदोलनरत रहे, सरकार भली भांति जानती है, कई दौर की वार्ताएं कर चुकी है, उसके लिए कमेटी बनाई हुई है। अब भाई कुछ भी अगर उसके लिए प्रावधानित होता तो बजट पे जरूर आता, लेकिन उसके लिए कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। किसान सम्मान निधि सब जानते हैं कि 13.5 करोड़ किसानों से चालू हुई, आपने निर्ममता पूर्वक किसानों को ये कि देखिए धोखेबाज हैं, गलत जानकारियां दी करके पैसा वसूली कर रहे हो। भाई जो किसान सम्मान निधि है, जिसे सम्मान शब्द जुड़ा है, वो लिस्ट किसने बनाया? सरकारी विभागों ने बनाया, राज्य सरकार के लोगों ने। खाता किसने खोला? बैंक ने खोला, सरकारी बैंकों ने खोला। पैसा किसने डाला? प्रधानमंत्री जी ने डाला। आज किसान डिफॉल्टर अब घोषित कर रहे हैं, उसे वसूली कर रहे हैं, उसके यहाँ छापा मारा जा रहा है, किसान घर छोड़ के भाग रहा है। तो मेरा मानना है कि दुनिया में पहली योजना में देखा, हर योजना में साल दर साल रकम वृद्धि होती है, बेनिफिशियरी यानी हितग्राहियों की संख्या बढ़ती है। पहली योजना में देख रहा हूं जो जो योजना का आकार जो है पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह घटते चले जा रहा है, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं। पेंशन योजना जो कभी हमने सलाह दी थी, सरकार ने मानी थी, मैं इसलिए सरकार का धन्यवाद देता हूँ कि जब मैंने सलाह दी थी कि 60 साल से के बाद जब बुजुर्ग हो जाता है किसान, जब हाथ पैर नहीं चलता तो परिवार में सम्मान जिए, उसके लिए देश को चाहिए कि उस अन्नदाता के लिए एक पेंशन की व्यवस्था करे। माना भी इन्होंने, बड़ी पीठ भी थपथपाई कि बड़ा अच्छा सुझाव है। मैंने कहा भी कि अगर मुझे कहेंगे तो मैं एक ऐसी योजना बना के दूंगा कि सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा और पेंशन आप दे पाएंगे, लेकिन इन्होंने IAS अधिकारियों को दे दिया और इनके जो CA हैं उन लोगों ने इसे चूचू का मुरब्बा बना के पीयरलेस स्कीम टाइप का बना दिया कि 20 साल की उम्र में खाता खोलो तो 60 साल की उम्र में 40 साल बाद आपको इतना दिया जाएगा, महीना में 200 डालो, साल में इतना डालो, कुल मिला के ऐसा बना दिया कि पूरी तरह से अव्यवहारिक होता है। हमें उम्मीद थी इसमें कुछ काम होगा। तीसरी बात, जो बीमा की बात है, फसल बीमा, भाई हर साल किसानों को शोषण कर रहे हैं। आधा बीमा सरकार देती है, सरकार से मिली भगत करके आधा किसानों की लंगोटी पे भी इनकी नजर है। 1,000 करोड़ रुपया हर साल से ये प्राइवेट बीमा कंपनियां फसल बीमा के नाम पे ले जा रही है। तो मुझे उम्मीद थी कि उसको युक्त बनाएंगे, तर्कसंगत बनाएंगे, व्यवहारिक बनाएंगे, उसमें कहीं बात ही नहीं है। MSP की बात नहीं है, कहीं कोई किसानों के लिए नई योजना की बात नहीं है। सिंचाई की स्तर आप देख रहे हो हम कहाँ खड़े हैं, सिंचाई के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है कि दूरगामी दीर्घकालिक कोई योजना आप बना रहे हैं, कहीं कोई जिक्र नहीं, जबकि आर्थिक परिचरण में इसका उल्लेख है। इसके अलावा जब इंडस्ट्री की बात करते हो तो मैं आज तक नहीं समझा पाया, रामपाल भाई ने बहुत अच्छे से उसके पॉइंट रखा है कि जब आप बात करते हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है तो एक मेजर कंपोनेंट तो कपास है ना, तो वो तो किसान के यहाँ से आएगा। SME की बात करते हो तो SME भी 70% जो है
एग्रो प्रोडक्ट बेस्ड है, ठीक है। तो रोजगार की अगर आप बात करते हैं तो आप अलग अलग देखते हो कि शहरी बेरोजगारी और रूरल बेरोजगारी। अरे भाई, गांव में रोजगार नहीं मिलता तो वही शहर जाके शहरी बेरोजगार बनता है, इस चीज को समझे। और आंकड़े इनके इतने भ्रामक है मनोज जी, में आज का बड़ा महत्वपूर्ण चैनल है आपका, मैं अंडरलाइन करूंगा, हम झूठे आंकड़ों के पहाड़ पे बैठ के योजनाएं बनाते हैं। सर, 2021 में जनगणना होने वाली थी, हमारे यहाँ 10 साल बाद होती है, ठीक है, उस समय कोरोना था, नहीं हुआ, 5 साल बीत गए, अब क्यों नहीं करवाते आप? आपके पास इस देश में पहला ऐसा देश है जिसे पता ही नहीं 15 साल से इसकी जनसंख्या कितनी है, बिल्कुल पता नहीं। तो बाकी आंकड़े आप जिसमें बात करते हो क्या है, उनकी विश्वसनीयता क्या होगी, ये सोचने का विषय है। और खेती सबसे बड़ा समग्र विषय है, हम देखते हैं कि लगभग 70% आपकी जनसंख्या एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी पे जुड़ी हुई है, रोजगार भी वहीं से उसको हासिल होता है। और साथ ही साथ 100% इस देश की जनसंख्या का लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था करती है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है, इसके लिए आपका क्या रोडमैप है? आपका बजट में देखता हूँ तो देखता हूँ आपकी जो आपकी सरकार को चलाने के लिए जो बैसाखियां हैं उसका किराया आप जितना दे रहे हो उससे कम किसानों को दे रहे हो देश की, अपनी सरकार के स्थायित्व के लिए, वरना जरा बताइए। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी सर मनोज भाई, इससे मैं अपनी बात खत्म करूंगा, ये जिस दिन अभी आई 3 दिन पहले, उसी दिन एक सर्वे रिपोर्ट और आई किसानों से संबंधित, और उसमें बताया गया था कि अमरावती जो कि महाराष्ट्र का सूखा प्रभावित क्षेत्र रहा है, वहां 152 दिनों में 145 किसानों ने आत्महत्या की। उसी का पड़ोसी जिला है यवतमाल, वहां 152 दिनों में 135 किसानों ने आत्महत्या की, समझ रहे हैं। तो वो एक अमरावती है, दूसरा अभी बजट में कल वो एक अमरावती है जिसको 15,000 करोड़ इन्हों ने दिया है ताकि एक चमचमाता शहर बने जहां नेता बैठ के सरकार चलाएंगे। इनकी नीति रीति को आप समझिए, संसद भवन के लिए 20,000 करोड़ आप खर्चा कर सकते हैं, 15,000 अमरावती के लिए एक नया फैसला लेकर सकते हैं। मुझे विकास से ऐतराज नहीं, लेकिन प्राथमिकता तो तय हो कि ज्यादा जरूरी क्या है आपके लिए, ज्यादा जरूरी अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं मनोज जी, इस बात से खत्म करूंगा कि हमारा जो गेहूं का भंडार है पिछले 2 सालों में रिजर्व स्टॉक कम होते जा रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, लेकिन हम बेवजह गाल बजा रहे हैं कि हमारा गेहूं का उत्पादन और बढ़ रहा है, तो फिर आपका रिजर्व स्टॉक में कमी क्यों है? पहले से 1,44,000 करोड़ या हो सकता है 1,50,00,000 करोड़ हो गए हो, जनसंख्या का सही आंकड़ा तो है ही नहीं हमारे पास। तो मेरा मानना है इतने लोगों का भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे? आपका आर्थिक सर्वेक्षण भी मेरा मानना है मिनी ही है, प्रॉपर व्यापक सर्वेक्षण होना चाहिए, और साथ ही साथ उस सर्वेक्षण का कोई औचित्य नहीं, आप पूरे दाल में डाल दीजिए, क्योंकि अगर उसके आधार पे आपका बजट ही नहीं बनता है, मेरा मानना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।